हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं उनके सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ले ली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसमें 2 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने के बाद हम लोग इसमें 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर देंगे। बाकी चावल का आटा ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें 1 चम्मच मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड कर देने के बाद हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो नमक ऐड कर देने के बाद हम लोग इसमें 1 टीस्पून के लगभग लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देने के बाद हम लोग इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम लोग इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए ढक के। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। तो अब हम लोग इसे वापस से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो मिक्स हो जाने के बाद दूसरी तरफ हम लोग कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद हम लोग इसमें तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम लोग इसमें 1-1 कट के पनीर ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पनीर एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम लोग इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पनीर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे और पनीर निकाल लेने के बाद कढ़ाई से एक्स्ट्रा तेल हम लोग निकाल लेंगे और 2 चम्मच के लगभग तेल रहने देंगे। और उसी तेल में अब हम लोग लहसुन को चॉप करके ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड कर देने के बाद हम लोग इसमें अदरक को चॉप करके ऐड कर देंगे और अदरक ऐड कर देने के बाद हम लोग इसमें धनिया पत्ती के डंठल को चॉप करके ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बाकी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड कर देने के बाद हमें इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद अब हम लोग इसमें प्याज को कुछ इस तरीके से बड़े टुकड़ों में चॉप करके ऐड कर देंगे और ठीक इसी तरीके से हम लोग शिमला मिर्च को भी चॉप करके ऐड कर देंगे और लगभग 1 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। भून जाने के बाद हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। बाकी हमने पनीर में भी नमक ऐड किया है तो थोड़ा ध्यान से ऐड करें। उसके बाद हम लोग इसमें गोल मरीच का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून और इसे अच्छे से भून लेंगे। भुन जाने के बाद हम लोग इसमें सॉसेस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। रेड चिली सॉस ऐड कर देने के बाद हम लोग इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसमें 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप ऐड कर देंगे। टमाटो केचप ऐड कर देने के बाद हम लोग इसमें 1/2 टीस्पून के लगभग लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हो जाने के बाद हम लोग इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। उसके बाद हम लोग कॉर्नफ्लोर ले लेंगे 1 चम्मच और उसमें भी हल्का सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसका घोल रेडी कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से भून लेंगे और भून जाने के बाद हम लोग इसमें पनीर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें 1 चम्मच के लगभग पनीर चिली मसाला ऐड कर देंगे, बाकी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद हमारा चिली पनीर रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग लास्ट में इसमें चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे चिली पनीर बनके रेडी हो चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।